मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में रोजगार को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। इसके तहत राज्य में सरकारी विभागों में खाली पड़े करीब 1,00,000 पद भरे जाएंगे। हेमंत सोरेन के निर्देश पर सरकारी विभाग में खाली पदों को खंगालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हेमंत सोरेन ने सत्ता संभालने के साथ ही राज्य के सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने का फैसला लिया है, जिसके बाद मुख्य सचिव सभी विभागों के रिक्तियों का आकलन कर जेपीएसएससी जेएसएससी को अधिसूचना भेजने को कहा है। खाली पदों की बात करें तो कृषि विभाग में 2,688, भवन विभाग में 715, राज्यपाल सचिवालय में 6, पशुपालन विभाग में 997, कैबिनेट विभाग में 121, निर्वाचन विभाग में 41, सहकारिता में 120, ऊर्जा विभाग में 53, उत्पाद विभाग में 522, वित्त विभाग में 722, राष्ट्रीय बचत में 75, वाणिज्य कर विभाग में 286, खाद आपूर्ति विभाग में 109, पर्यावरण विभाग में 3,086, स्वास्थ्य विभाग में 9,380, राजस्व विभाग में 1,271, पथ निर्माण में 765, ग्रामीण विकास में 3,498, शिक्षा विभाग में 18,357, जल संसाधन विभाग में 3,227, लघु सिंचाई विभाग में 657, कल्याण विभाग में 1,267, खेलकूद विभाग में 141 पद सहित कई अन्य पद भी खाली हैं। कर्मियों की कमी से जहां कामकाज पर असर पड़ रहा है, ऐसे में खाली पदों को भरने के सरकार के आदेश से बेरोजगार युवाओं में एक उम्मीद जग गई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्थानीय नीति पर संशोधन के संकेत दिए हैं, इसका अंतिम रूप से फैसला अभी बाकी है। इसी तरह की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।